दोस्तों, अगर आपने भी अपने फेसबुक अकाउंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करके रखे हैं और अभी आप अपना जो आईडी को लॉगिन करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे ही लॉगिन करने के लिए आप जो है अपना नंबर और पासवर्ड देके लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो भाई यहाँ पे आपको ये वाला पेज आ जाता है जहाँ पे लिखा है चेक योर नोटिफिकेशन ऑन अनदर डिवाइस और आपको नीचे लिखा है वी सेंड नोटिफिकेशन योर वन प्लस 10R, यानी जो भी आपका मोबाइल है उसमें आपको नोटिफिकेशन भेजा जाता है, बट आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। और अगर आप नीचे जो है ट्राई अनदर वे पे भी क्लिक करते हो और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलता है, अनदर डिवाइस जिसमें आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, दूसरा टेक्स्ट मैसेज आपके नंबर पर वो भी नहीं आ रहा है, और आपको तीसरा बैकअप कोड का ऑप्शन मिलता है और आपके पास बैकअप कोड अगर नहीं है और आपको नंबर पर भी जो कोड नहीं आ रहा है, तो कैसे दोस्तों आप अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को यहाँ पे जो बंद कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो और अपने आईडी को इजीली लॉगिन कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने टू स्टेप जो है ऑथेंटिकेशन को यहाँ पे जो ये ऐप के द्वारा लगाए थे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, लास्ट में वीडियो मिल जाएगा। अगर आपके पास नंबर नहीं है तब आपको क्या करना है, इसके लिए भी आपको लास्ट में वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों अभी करना क्या, आपको दूसरे कोई आईडी आपको लॉगिन कर लेना, ठीक है, अपने ही कोई दूसरा आईडी आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना, चाहे आपका खुद का कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबर का या फिर दोस्त का, किसी का भी एक आईडी लॉगिन कर लोगे, कुछ इस प्रकार का आपको पेज शो करेगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, ये दूसरे आईडी में करना, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, थ्री लाइन मिलेगा कॉर्नर पे, या फिर आपको अपना प्रोफाइल आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दोगे, स्क्रॉल करके नीचे आओगे, आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग्स का, आपको जस्ट नीचे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के, तो आपको सेटिंग्स एंड जो है सेटिंग्स पे भी क्लिक करना, ठीक है, पहले सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, उसके बाद सेटिंग्स पे क्लिक कर दोगे, इस प्रकार का आएगा, ठीक है। अब दोस्तों कभी कभी आपको ये वाला पेज भी आ सकता है, तो आप ओके कर दीजिएगा और आपको ये वाला पेज आ जाएगा, ठीक है, कभी कभी हुआ था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर में देखोगे तो अकाउंट सेंटर है और यहाँ पे नीचे लिखा है सी मोर इन अकाउंट सेंटर, तो आपको सी मोर इन अकाउंट सेंटर पे ब्लू वाले कलर पे क्लिक कर देना, आपको ये वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन मिल जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, ठीक है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे आप क्लिक कर दोगे, उसके बाद आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रहे दोस्तों ये जो काम करना है अपने किसी दूसरे आईडी में, चाहे वो आपका हो, अपने फैमिली मेंबर का या दोस्त का किसी का, इस तरीके का आ जाएगा। आपको अपना जो फेसबुक आईडी पे क्लिक करना है दूसरे आईडी में, ठीक है, इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पर जो है टेक्स्ट मैसेज SMS करके इस पर आपको क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना है। आप दोस्तों जैसे नेक्स्ट करोगे यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा, अब यहाँ पे आपको वही फोन नंबर ऐड करना है जो आपके उस आईडी में टू स्टेप ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है, यानी जिसको आप लॉगिन करना चाहते थे उसी में जो आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए जो नंबर दिया है वो नंबर आपको सेम यहाँ पे इंटर करना है, कोई दूसरा नंबर नहीं देना, वही नंबर दोगे तब आपका ये ट्रिक वर्क करेगा, ठीक है। तो मैं वो नंबर यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ, उसके बाद आपको करना क्या होगा, नीचे नेक्स्ट करना होगा, ठीक है, नंबर दूसरा नहीं देना है, सेम नंबर देना है जिस आईडी को आप लॉगिन करना चाहते हो वही आईडी का यहाँ पे दे देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नंबर देने के बाद नेक्स्ट करोगे आप यहाँ पे, जैसे दोस्तों यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे तो आपके जो नंबर पे है इस पर एक कोड जाएगा, OTP जाएगा, उस OTP को दोस्तों आपको यहाँ पे जो है क्लिक करके इंटर कर लेना, इंटर कोड पे आप डायरेक्ट जो देख सकते हो मेरा कोड आ गया, कॉपी करके हम यहाँ पे जो है पेस्ट कर देते हैं, आप जो ऐसे भी इंटर करके आप सिंपली नेक्स्ट करोगे। जैसे ही नेक्स्ट करोगे दोस्तों आपको थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना होगा, कुछ इस प्रकार आपको लोडिंग लेंगे, उसके बाद आपके सामने जो है ये वाला पेज आ जाएगा जहाँ पे ट्विस्ट जो है फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन, आपको नीचे डन कर देना। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि आपने उसी नंबर से अभी दूसरे फेसबुक आईडी में क्या कर दिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों मैं दिखा देता हूं, उस आईडी को लॉगिन करके इजीली दोस्तों आप वो आईडी लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि उसका जो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहां पे ऑफ हो गया है। जी हां दोस्तों, आपको करना क्या है, यहां पे मैं इस आईडी को लॉग आउट करके अपने उस आईडी को आपको लॉगिन करके दिखा देता हूं, ठीक है। लॉग आउट कर दिया मैं यहां पे सिंपल दोस्तों, और यहां पे मैं आपको क्या करूंगा जो है अपना मोबाइल नंबर, ध्यान दीजिएगा वही मोबाइल नंबर है, कोई मैं अलग नहीं किया हूँ, आप लास्ट का अंक देख सकते हो, और आपको पासवर्ड देके लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करोगे, थोड़ी देर वेट करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो वो आईडी मेरा लॉगिन हो गया, यानी दोस्तों आपको उस नंबर को किसी दूसरे फेसबुक आईडी में जो है टू स्टेप ऑथेंटिकेशन को ऑन कर देना, उसी नंबर से जो आप आईडी लॉगिन करना चाहते हो इजीली हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आपका नंबर नहीं है या फिर ऐप से लगाए, तो आपको साइड में जो दोनों वीडियो दिख रहा है उसको देख सकते हो।